इंदौर के मालवीय नगर चौराहे पर लगे प्रदेश के पहले ट्रैफिक कंट्रोलर रोबोट को फिर से चालू कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही एक शराबी ने रोबोट को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद निजी कंपनी ने अथक प्रयास व हजारों रुपए की लागत से एक बार फिर इसे सुधार दिया है। इंदौर का मालवीय नगर चौराहा प्रदेश का पहला ऐसा चौराहा है जहाँ रोबोट ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। रोबोट करीब 4 साल से इस चौराहे पर बिना किसी दिक्कत के बखूबी अपना काम कर रहा था, लेकिन पिछले दिनों एक शराबी युवक द्वारा केवल इसलिए इस रोबोट को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था कि रोबोट उसके घर की ओर देखकर हाथ दिखाता था। शराबी द्वारा रोबोट के कई पार्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हुआ था। पुलिस ने शराबी को पकड़कर कार्रवाई भी की थी। रोबोट को सुधारने के लिए निजी कंपनी द्वारा कार्य शुरू करने के बाद करीबन 15 दिनों में 70,000 रुपए से अधिक के खर्चे में रोबोट को एक बार फिर से शुरू किया गया है। के लिए अकेडमी जो कंपनी है हमारी, हमने इसको लगाया था, 4 साल लगभग हो गए रोबोट को लगे हुए और हम इसका मेंटेनेंस करते हैं। अभी पिछले 15-20 दिनों से रोबोट बंद था क्योंकि एक असामाजिक तत्व ने इसमें आके तोड़फोड़ कर दी थी, जिससे हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था। तो हम इसको रिपेयर कर रहे हैं, 5 से 6 बार आके हमने साइट पे इसको मेंटेन करके रिपेयर करा, पूरी वायरिंग मोटर ड्राइव एवरीथिंग इज चेंज नाउ और आज ये रोबोट वापस से चालू हो जाएगा। खर्चा तो इसमें काफ़ी आया है, मोटर ड्राइव मगर अच्छा खर्चा आया इसमें, हमको पूरा बहुत सारा काम करना पड़ा, 4-5 बार हम आए तो खर्चा तो काफी सारा आ गया हमारा। बहरहाल इंदौर के इस ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। आप भी इसे शान से काम करते मालवीय नगर चौराहे पर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।